हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं मेरी चैनल अबाउट कंप्यूटर। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा वायरस के बारे में। आज मैं उसका पार्ट टू बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई हुई है, प्लीज़ देखें। और आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज दूसरा उसका पार्ट। तो ये देखिए, ये है हमारे आज के 5 वायरसेस जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये है पहला वायरस। ये बेसिकली करता क्या है कि हमारे जितने भी रजिस्टर्ड फाइल्स हैं वो उसको डिलीट कर देता है। और जब भी आपका लैपटॉप एक बार ऑफ हो गया और दूसरी बार आप ऑन करने जाओगे तो ये वायरस रन होने के कारण वो लैपटॉप फिर से यूज़ नहीं हो पाएगा, ऑन ही नहीं होगा। और अब इसको कैसे हम किसी भी लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो पहले तो इसको हम कॉपी करेंगे एक नोटपैड की फाइल में ऐसे। फिर उसको सेव करना है। सेव हम पहले कैसे करते थे, .pat से करते थे, लेकिन ये फाइल हमें कोई भी नाम देकर .vbs से सेव करना है। सेव करेंगे आप तो ऐसा एक बन जाएगा उस नाम का। अब यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप में डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो हम अपना दूसरा वायरस देखते हैं। दूसरा वायरस क्या है, ये बेसिकली करता क्या है कि हमारे लैपटॉप ये वायरस बेसिकली करता क्या है कि एक बार हमने जो हमारा पीसी टर्न ऑफ कर दिया इसको रन करने के बाद, तो एक ऐसा मैसेज आएगा जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इट इज़ वेरी फनी, यू नेल इट बाय अ न्यू कंप्यूटर, दिस इज पीस ऑफ सीट। बड़ी फनी बात है। तो अगर इसको हम दूसरी बार उसको लैपटॉप को ऑफ करके ऑन करने जाएंगे तो इस वायरस के कारण वो लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा कभी भी। सो पूरा लैपटॉप यूजलेस हो जाएगा, तो फिर से आपको नया खरीदना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे सेव करेंगे, पहले कॉपी करेंगे नोटपैड की फाइल में। अब इसको सेव कैसे करना है, .bat से .bat और सेव कर देना है। सेव करने के बाद ऐसे एक बेट फाइल हो जाएगी। अब इसको हम मेरे कंप्यूटर में तो मैं रन नहीं कर सकता। सो अब मैंने आपको पहले सिखाया था कि इस बेट फाइल को हम एग्जीक्यूट फाइल से कैसे बना सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बार मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई हुई है, उससे आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ऐसा कन्वर्टर नाम का फोल्डर आएगा। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा एक कन्वर्टर का नाम फोल्डर आएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बैक टू exe कन्वर्टर दिया गया है। चलो हम उसे रन करते हैं। तो ऐसे आएगी बेस फाइल और सेव फाइल। बेस फाइल में जो आपको बैट फाइल है जैसे कि 2, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करेंगे तो ऐसे exe फाइल जनरेट हो जाएगी। अब आप इस बैट फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ये फाइल किसी भी
कंप्यूटर में आप रन कर सकते हैं डबल क्लिक से। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, सो वेरी इजी है। आप वो सॉफ्टवेयर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं हम तीसरा वायरस ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये करता क्या है बेसिकली कि हमारी जो सी ड्राइव में जितनी भी फाइल्स है वो सारी डिलीट कर देता है, पूरी सी ड्राइव ही फॉर्मेट कर देता है। तो अगर सी ड्राइव ही फॉर्मेट हो गई तो कंप्यूटर किस काम का। तो इसको भी हम ऐसे नोट पैड की फाइल में .pt से सेव करेंगे और बाद में आपको exe में कन्वर्ट करना तो आप कर सकते हैं। चौथा वायरस देखते हैं। ये वायरस मेरा फेवरेट वायरस है, क्योंकि ये करता क्या है कि हमारे जो लैपटॉप में विंडोज सिस्टम 32 है वो ही डिलीट कर देता है, मतलब कि हमारे लैपटॉप की OS ही डिलीट कर देता है। सोचिए दोस्तों, हमारे लैपटॉप में OS ही नहीं होगा तो रन कैसे होगा। तो ये बहुत ही डेंजरस है और मैं आपको नहीं कहता कि आप किसी के भी लैपटॉप में ये वायरसेस यूज़ करें, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो उसकी कोई जवाबदारी नहीं कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारा लास्ट वायरस है, ये वायरस किस लिए काम आता है कि अगर आपको अपने पीसी में या किसी और के पीसी में इंटरनेट कनेक्शन को परमानेंटली बंद करना है तो इस वायरस से कर सकते हैं आप। इसको रन करने के बाद उस लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और कभी भी आप शुरू नहीं कर सकते। सो प्लीज़ इसको आप अपने लैपटॉप में कभी भी यूज़ ना करें, वरना आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाएंगे और बाद में ये मैसेज आएगा, यू हैव मिस्ड योर इंटरनेट यूसेज फॉर अ लाइफ टाइम। यहाँ पे आप कोई भी अपने तरीके से मैसेज रख सकते हैं। और इसको भी हम ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे, बैट फाइल से सेव करेंगे नोटपैड में और बाद में उसको exe में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं और डबल क्लिक करके अब उसको रन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 वायरस। ये फर्स्ट, इसको सिर्फ हमें .bbs से सेव करना है, बाकी सबको हमें .bat से सेव करना है। ये दूसरा, ये तीसरा वायरस, ये चौथा मेरा फेवरेट और ये है पांचवा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबने सबको ये पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अबाउट कंप्यूटर। थैंक यू दोस्तों।